प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब का दर्शन करेंगे। यह किला हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब के करीब अगमपुर की सीमा में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। आनंदपुर साहिब जो कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, श्री आनंदपुर साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब से लगभग 1 किमी की दूरी पर अगमगढ़ की सीमा पर स्थित है। हमारे भारत के गुजरे हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति पड़ोसी पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगी बेहद शत्रुतापूर्ण हो गए। आनंदपुर साहिब को शत्रुतापूर्ण पड़ोसी राजाओं से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 5 रक्षात्मक किलों के निर्माण का आदेश दिया। तब 5 रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। उन 5 रक्षात्मक किलों में तीसरा किला श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब था। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री किला होलगढ़ जिसका शाब्दिक अर्थ है रंग का किला, श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सन 1701 ईस्वी में होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत की थी।
सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। सिखों के लिए होला मोहल्ला बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होली पौरुष की प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी ने होली के लिए पुलिंग शब्द होला मोहल्ला का प्रयोग किया है। गुरुजी होला मोहल्ला के माध्यम से समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की प्रगति चाहते थे। होला मोहल्ला का उत्सव आनंदपुर साहिब में 6 दिन तक चलता है। इस अवसर पर घोड़ों पर सवार निहंग हाथ में निशान साहिब उठाए तलवारों के करतब दिखाकर साहस पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, सतनाम वाहे गुरु। पंज प्यारे नगर कीर्तन का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं और जुलूस में निहंगों के अखाड़े नंगी तलवारों के करतब दिखाते हुए बोले सो निहाल के नारे बुलंद करते हैं। होला मोहल्ला के शुभ अवसरों पर आनंदपुर साहिब की बेहद खूबसूरती से सजावट की जाती है और विशाल लंगर का आयोजन किया जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने स्वयं इस मेले की शुरुआत की थी। यह नगर कीर्तन हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर समाप्त होता है। श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का खूबसूरत उत्सव बेहद ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने होला मोहल्ला के खूबसूरत उत्सव की शुरुआत की थी। यही कारण है कि इस पवित्र स्थान को श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भी सिख संगत तथा निहंग सिंह श्री आनंदपुर साहिब से पुरानी परंपरा के अनुसार एक बड़े संगठित समूह की शक्ल में किला होलगढ़ साहिब तक पहुंचते हैं तथा यहां पर तरह तरह के खेल मुकाबले करवाए जाते हैं।
श्री गुरुद्वारा किला होलकर साहिब, यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने श्री भाई नंदलाल जी से पहली बार मुलाकात की थी। श्री भाई नंदलाल जी जो कि उस समय में एक प्रतिभावान कवि थे, श्री भाई नंदलाल जी मुगल शासक औरंगजेब के पास वेतन अनुसार नौकरी किया करते थे। कुछ सूत्रों से श्री भाई नंदलाल जी को सूचना मिली कि मुगल शासक औरंगजेब उनके धर्म को क्षति पहुंचाना चाहता है, उनके धर्म को बदलना चाहता है। जब श्री भाई नंदलाल जी को ज्ञात हुआ कि मुगल शासक औरंगजेब उनके धर्म को क्षति पहुंचाना चाहता है, तो वह वहां से निकलकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के शरण में आए और सदैव के लिए गुरु साहिब के चरणों में गुरु भक्ति में लीन हो गए। श्री गुरुद्वारा किला होलकर साहिब, यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री भाई नंदलाल जी हमेशा रहा करते थे। वर्तमान में श्री गुरुद्वारा किला होलकर साहिब एक 3 मंजिला अष्टकोणीय गुंबददार भवन के रूप में स्थित है, जिसका गर्भगृह संगमरमर के भूतल के मध्य में स्थित है। श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब श्री संत बाबा सेवा सिंह जी की छत्र छाया में बनना शुरू हुआ था और सन 1970 में इस किले का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। सभी गुरु पर्व यहाँ बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से होला मोहल्ला के शुभ अवसरों पर यहाँ बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से खुशियों भरा उत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन करके दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करती है। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके
मन की अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।